Assalamu alaikum. Welcome to Arshad, Iqbal, Burki YouTube channel. अभी recently world team championship हुई यहाँ अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जो कि इजिप्ट फाइनल में आई और उन्होंने जीता. हमारी पाकिस्तान की टीम उसमें नहीं खेली unfortunately, जिसका मुझे भी और पूरे कौम को बहुत अफसोस हुआ. लेकिन उसकी जो वजूहत फेडरेशन ने जो मैंने देखी अखबारों के ज़रिए तो उसमें कहा था कि इस पर काफ़ी ख़र्चा आ रहा था, काफ़ी पैसे खर्च हो रहे थे और हमारे प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते इस टूर्नामेंट में, इसलिए उनको इस टूर्नामेंट में नहीं भेजा गया. पहली बात तो ये कि ये बहुत ही डिस्करेजमेंट है हमारे सीनियर प्लेयर्स के लिए कि उन पर हमारी फेडरेशन बिलीव ही नहीं करती कि वो परफॉर्म कर सकती है. और जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे ख्याल से जो हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, जहाँ तक हमारी बातचीत होती रहती है आपस में, तो उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि फेडरेशन उतना सपोर्ट नहीं करती जितना वो परफॉर्म कर रही हैं. जो प्लेयर्स हमारे हैं वो उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं. तो फेडरेशन को अब तो ये गुजर गया, लेकिन आइंदा के लिए इस किस्म के इवेंट से टीम को जो है ड्रॉप नहीं करना चाहिए. खर्चा तो होता रहता है, खर्चे तो मतलब वो तो आप करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, जो कि अफसोसनाक है. दूसरी जानिब फेडरेशन कहती है कि इस पर ख़र्चा होता है, तो जहाँ तक मैंने देखा है वो जूनियर प्लेयर्स को, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जूनियर प्लेयर्स को और मैं कभी भी उनको डिस्करेज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत डिस्करेजमेंट का सामना कर चुका हूँ अपने कैरियर में. तो मैं उनको इनकरेज करूंगा, लेकिन मैं फेडरेशन से ये पूछता हूं, अगर फेडरेशन जूनियर को सपोर्ट कर रही है और सीनियर को नहीं कर रही तो ये तो इंसाफ का तकाजा नहीं है. आपको दोनों साइड पे दोनों जूनियर को भी और सीनियर को भी साथ लेकर चलना होगा. तो इस तरह पाकिस्तान जो है स्क्वाश में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकता है. बेस्ट विशेज टू माई प्लेयर्स, बेस्ट विशेज टू माई टीम, बेस्ट विशेज टू माई कंट्री. थैंक यू.